हम इस मुसीबत से अब सारी जिंदगी नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया, हमारी खुशियां छीन ली, ऊपर वाला उनकी भी खुशियां छीन ली। उन्होंने मेरी बेटी को शर्मिंदा किया है, उनकी बेटी भी ऐसे ही रहे, उनके साथ भी ऐसा ही हो। मॉम प्लीज ऐसी बातें मत बोलिए। ऐसा मत कहो, ऊपर वाले पर छोड़ दो, और कोई रास्ता नहीं है। जैसे मैंने छोड़ दिया हुसैन, उन्होंने मुझसे मेरी बेटी छीनी है। मैं अंदर से जल रही हूँ, मैं अपनी बेटी को दुल्हन भी नहीं बना पाई। अब हम क्या करेंगे? हम सबको क्या जवाब देंगे? कैसे मुंह दिखाएंगे? कहाँ जा रहे हो बेटा? थोड़ी ताजी हवा खाने। तुम फोन पर मुझे किस तरह बात कर रहे थे? हाँ यहाँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है भाई। क्या बात है? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, बताओ मुझे। जैनब कहाँ है भाई? जैनब कहाँ है? तुम्हारा क्या मतलब है? वो कॉलेज में ही होगी, उसने मुझे अपना लोकेशन भी भेजा होगा। क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो? पता है हमारी बहन ने कल ओजान के साथ शादी कर ली है। किस तरह रख रहे हो आप उसका ख्याल, हाँ बताओ मुझे। आपने कहा था हर कदम की जानकारी है मुझे उसकी, उसने पीठ पीछे क्या कुछ कर लिया, कुछ जानकारी है आपको? मुझे कहा था बीच में मत पड़ो, मैं अपनी बहन को बचा तक नहीं पाया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी गलती है, और तुम कह रहे हो कि मैं जिम्मेदार हूँ। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी थी, सिर्फ आपकी। अब तुम गए। बताओ हमारी बहन अभी कहाँ है? कहाँ है जैनब? कहाँ है? कहाँ है जैनब? क्या कर रहे हो बेटा? हटो, छोड़ो, एक दूसरे को। क्या कर रहे हो तुम लोग? हटो, तुम लोग रुको, झगड़ा बंद करो। मैं जैनब को लेकर आता हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा, जैनब की जगह उसके पति के साथ है, समझ गए तुम? समझ में आया? ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है ये सब, समझ गए तुम? मैंने बस एक लड़की से प्यार किया था, और अगर ये गलती है तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं, पर मैंने हमेशा अपने परिवार को बचाने की कोशिश की है, हमेशा दूर रखने की कोशिश की है। पर आपने हमेशा शर्मिंदा किया, मेरे खिलाफ गए, मुझे धोखा दिया आपने। इस परिवार और उस घर के बीच का रास्ता है आप, मेरे मना करने के बावजूद आप अमीर के साथ काम करते रहे, और अमीर बस आपको अपने इशारों पर नचा रहा है। क्या ये बात सच है? हाँ सच है कि मैं मिस्टर अमीर के लिए नौकरी कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे इज्जत दी है जो अपने परिवार से मुझे कभी नहीं मिली। अब तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं बस अपने पैसे कमा रहा हूं पापा, और क्या इसमें गलत क्या है बताइए मुझे। बस हो गया, मुझे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। हमारे बच्चे ऐसे तो नहीं थे फिर? उनका डिवोर्स होगा, सुन रहे हो तुम? उस लड़की को मैं इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी, वो लड़की हमारे इस घर में नहीं आएगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस बात से गुस्सा हो। ओजान ने हमसे पूछे बगैर शादी की है, उसने शादी की है इस वजह से। फिलहाल मुझसे बहस मत करो और ओजान को वापस घर ले आओ। चलिए हम साथ में चलते हैं और उसे ढूंढते हैं, आप अकेले मत जाइए। नहीं बिल्कुल नहीं, तूफान ने मुझसे कहा है कि वो दोनों कहां गए हैं। चलिए फिर चलते हैं हम। मैं अकेले ही जाऊंगा, मैं अपने बेटे से अकेले में बात करना चाहता हूँ, और मैं उसे यहाँ ले आऊंगा। तुम सिर्फ ओजान को वापस लाओगे। मॉम समझदारी से बात कीजिए,
अगर हम उसे खोना नहीं चाहते तो हमें उसकी बात माननी होगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। ये सब जैसे शुरू हुआ था उसे वैसे ही खत्म करना होगा। और ऐसा नहीं हुआ तो? तुम ये सब हमारी जिंदगी में लाई हो निहान। तुम केमाल को हमारी जिंदगी में ले आई। जैसा तुम अपनी जिंदगी में कर रही थी ओजान भी वैसे ही कर रहा है। अगर देखा जाए तो ये सब आपकी गलती है और आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकती हैं मॉम। ये बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं। पर क्या कर रही हो आसू? मैं ज़ेनिब को फोन लगा रही थी, फोन बंद आ रहा था तो सोचा घर जाकर दिखाऊं। आसू बेटा, तुम नहीं जानती क्या हुआ? उन्होंने मेरी बेटी का ब्रेन वॉश करके उसे फंसाया है। केमाल? ज़ेनिब और ओजान ने बिना किसी को बताए शादी कर ली। क्या? क्या ज़ेनिब का उससे अफेयर था? जहां तक मुझे पता ऐसा कुछ नहीं था। अंदर आ जाओ, यहाँ दरवाजे पर खड़े खड़े सारी बात करनी है क्या? अंदर आ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस घर में आने की? ये यहाँ क्या कर रही है? चली जाओ यहाँ से। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पहले तुमने मुझसे मेरे बेटे को छीना और अब मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया है। चली जाओ यहाँ से। मॉम शांत हो जाइए, अंदर जाइए प्लीज। मुझे बस केमाल से कुछ बात करनी है। झूठ बोलती हो तुम धोखेबाज हो, बेईमान हो। मॉम प्लीज आप चली जाइए, यहाँ सब पहले से ही काफी परेशान है और परेशानी मत बढ़ाइए। तुम्हें इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। अंदर चलो। आप अंदर चलिए आंटी जी। क्यों आई तुम यहाँ? खासकर ऐसे हालात में तुम्हें आने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी निहान। केमाल प्लीज मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें जो कुछ कहना था वो सब कुछ कह चुकी हो तुम, अब अपने घर जाओ। केमाल प्लीज। डैड आपको मानना चाहिए, मैं बस अभी आता हूँ। आइए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। केमाल सुनो, एक आखिरी बार जो कहना चाहते हो कहकर आओ या फिर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने अपनी एक औलाद इसे दे दी है, अब दूसरी औलाद मरने तक नहीं दूंगी मैं।